खड़िया जनजाति तीन उपशाखाओं में बटी है, हिल खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया। इन तीनों उपशाखाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में खड़िया जनजाति के लोग निवास करते हैं और इन्हीं सभी कारणों का यह परिणाम है कि खड़िया जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था, जिसे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था भी कहते हैं, उसकी कार्य पद्धति और पदों के नामों में गाँव से लेकर ऊपर के स्तर तक में कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सामान्य रूप से खड़िया गाँव का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे प्रधान या महतो कहते हैं, जबकि धार्मिक प्रमुख को खड़िया जनजाति की तीनों उपशाखाएं अलग अलग नाम से जानती है। जैसे कि हिल खड़िया इसे डिहुरी कहती है, जबकि ढेलकी खड़िया इसे कालो कहती है, और वही दूध खड़िया इसे कालो, बैगा या पाहन भी कहती है। गांव के स्तर पर एक पंचायत भी होती है जिसमें गांव में उत्पन्न विवादों का निपटारा किया जाता है। इस ग्राम पंचायत की अध्यक्षता गांव का प्रशासनिक प्रमुख करता है, परंतु कई क्षेत्रों में गांव का धार्मिक प्रमुख ही गांव पंचायत की अध्यक्षता करता है। कई सारे गांवों को मिलाकर एक इंटर विलेज यूनिट या अंतरग्रामीय इकाई का निर्माण किया जाता है। इस स्तर पर भी एक पंचायत होती है जिसे हिल खड़िया में भीड़ा के नाम से जाना जाता है। दूध खड़िया इसे कुटुंब सभा या पड़ा पंचायत के नाम से जानती है, जबकि ढेलकी खड़िया इसे गड़ी के नाम से जानती है। तो मुख्य रूप से भीड़ा, कुटुंब सभा, पड़ा पंचायत या गड़ी इंटर विलेज पंचायतें हैं जिसमें अपने अंदर आने वाले गांवों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। विवादों का निपटारा करने के लिए अंतरग्रामीय स्तर पर जो पंचायत होती है उसका अध्यक्ष हिल खड़िया में डांडिया कहा जाता है, जबकि दूध खड़िया में इसे करटाहा कहा जाता है। ढेलकी खड़िया में इस स्तर पर दो महत्वपूर्ण पदों का नाम मिलता है, एक तो पेन दिया या पानी दिया और दूसरा भंडारी। खड़िया जनजाति में जब समाज से बहिष्कृत कर दिए व्यक्ति को समाज में पुनर्प्रवेश की अनुमति पंचायत देती है तो पुनर्प्रवेश की इस प्रक्रिया में एक खास प्रकार के जल या विलय का उपयोग किया जाता है। इसके इंतजाम का सारा जिम्मा पेनदिहा या पानीदिहा के पास होता है, जबकि भंडारी मुख्य रूप से बारबर या नाई होता है, जो कि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर समाज को अपनी सेवा देता है। आगे चलकर खड़िया जनजाति में एक अखिल भारतीय खड़िया महासभा का भी गठन हुआ, जो कि काफ़ी बाद की घटना है, अर्थात 1934-35 ईस्वी की। इस अखिल भारतीय खड़िया महासभा को ढोकलो के नाम से जाना जाता है और इसका एक प्रमुख होता है जो कि ढोकलो सोहोर कहलाता है। मुख्य रूप से खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ बैठक करना होता है और शोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। तो मुख्य रूप से खड़िया महासभा अर्थात ढोकलो की अध्यक्षता करने वाले को ढोकलो शोहोर कहा जाता है। इसे खड़िया राजा के नाम से भी जाना जाता है और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। खड़िया राजा को उसके कार्य में सहायता करने के लिए कई सारे दूसरे पद भी होते हैं, जैसे कि दीवान या सलाहकार, तिजौकड़ या खजांची और लिखाकड़ या सचिव। ढोकलो सोहोर मुख्य रूप से खड़िया जनजाति, खड़िया समाज को सशक्त बनाने, मजबूत बनाने और संगठित करने का कार्य करता है। इसके अलावा उसके सामने यदि समाज में उत्पन्न किस तरह के विवाद भी आते हैं तो उसका समाधान भी वो करता है।